नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी से माहौल गर्म होने लगा है। इस बार यूपी में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इसी बीच सरधना से बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने सीधे तौर पर ओवैसी को चुनौती दी है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी से माहौल गर्म होने लगा है। इस बार प्रदेश में AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। इसी बीच सरधना से विधायक संगीत सोम ने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। संगीत सोम का कहना है कि अगर दम है तो असदुद्दीन ओवैसी को खुद सरधना से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरों पर संगीत सोम ने कहा, ओवैसी में दम है तो खुद मेरे खिलाफ आकर सरधना से चुनाव लड़े, चमचों को न लड़ाए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई नेता आए और चले गए। हम इस बार 350 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ओवैसी के भाई ने हैदराबाद में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात की थी। मैं याद दिला दूं कि यह हैदराबाद नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अगर यहां पुलिस हट गई तो सोच लें क्या होगा। कृषि कानून के मसले पर किसानों के आंदोलन को लेकर संगीत सोम ने कहा कि इसके माध्यम से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की असफल कोशिश हो रही है। संगीत सोम ने कहा कि आंदोलन का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि गन्ना किसान खुश है, उसका चीनी मिलों पर एक पैसा भी पिछले साल का बकाया नहीं है। संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने सबको सुरक्षित माहौल दिया है। पिछली सरकार की तरह क्राइम नहीं होते, माताएं निश्चिंत हैं क्योंकि बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सरधना से बीजेपी के विधायक संगीत सोम की पहचान बेहद आक्रामक नेता के तौर पर है। संगीत सोम बेहद आक्रामक तरीके से अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए मशहूर है। ओवैसी के अलावा संगीत सोम ने कुछ दिन पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी जबरदस्त हमले किए थे। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अखिलेश यादव को चैलेंज करते हुए कहा था, अखिलेश जी आप आरी से कटवाने की बात कर रहे हो, आपकी औकात नहीं है। आप अभी ट्विटर खेल रहे हो, 5 साल में कभी लखनऊ से निकले हो तो बता दें, जब कोई बाहर ही नहीं निकला तो उसे बीमारी होती कैसे। हमने मुजफ्फरनगर दंगा भी देखा है, तुमने हिंदू भी मरवाए और मुसलमान भी मरवाए, तुमने सच्चाई को सच्चाई नहीं कहा। यदि हमारे दो दो युवाओं की मौत न होती तो मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार चुनाव में किस्मत आजमाएगी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा बनाया है। वो लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान कर चुके ओवैसी यूपी की सभी पार्टियों के निशाने पर हैं। पहले तो विपक्षी पार्टियां ही ओवैसी पर निशाना साध रही थी, लेकिन इस बार सत्ताधारी बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने भी ओवैसी पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी